नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ए के जैन। स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। यह वीडियो कंप्यूटर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी जैसे ट्रिपल सी, बीएड, पीजीडीसीए, आरपीएससी, एलडीसी, एसएससी, राजस्थान पुलिस आदि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी मददगार होगी। कंप्यूटर कंपटीशन प्रिपरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम जानेंगे एमएस वर्ड से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की क्विज नंबर 1। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफॉल्ट टैब नहीं है? डिजाइन, देखिए होम टैब ये दे रखा है, इंसर्ट दे रखा है और व्यू दे रखा है, लेकिन डिजाइन नहीं दे रखा है। इनमें कहीं भी डिजाइन टैब नहीं है। कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? कट से डॉक्यूमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा? जो हम टैब सेलेक्ट करेंगे या कोई फोटो सेलेक्ट करेंगे उसको सेलेक्ट करके कट करेंगे तो वहां से रिमूव हो जाएगा, सिलेक्टेड टैब और ग्राफिक रिमूव हो जाता है। कट से रिमूव होता है, फिर उसे पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी से, लेकिन एक बार वो कट हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में पहली बार सेव करने का निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? सेव, जब हम फाइल को फर्स्ट बार सेव करते हैं तो उसके लिए हमको सेव ऑप्शन यूज करना चाहिए, फाइल में जाके सेव करना चाहिए, और जब नेक्स्ट टाइम जब सेव्ड फाइल को दोबारा और दूसरे नाम से सेव करना हो तो उसके लिए सेवेज यूज करते हैं। फर्स्ट टाइम क्या यूज करते हैं? सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल के या हाइपरलिंक पे जाकर फाइल को लिंक कर सकते हैं, वेबसाइट से भी लिंक कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो इंडेंट सेटिंग टैब सेटिंग में हमने पढ़ा था, होम टैब में देखिए ये डिक्रीज इंडेंट है, ये इंक्रीज इंडेंट है, इनसे हम इंडेंट सेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? होम में जाकर कर सकते हैं। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर डैश के आकार में बदल गया है। जब फॉर्मेट पेंटर पर अपन क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर किस में बदल जाता है? पेंट ब्रश में। देखिए पेंट ब्रश की तरह से आता है, एरो नहीं दिखता है, आई बीम नहीं दिखता है, चतुष्कोणीय एरो नहीं दिखता है, क्या दिखता है? पेंट ब्रश दिखता है। इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आइकन जो है इस बटन के इस्तेमाल से आप वर्ड के कलर को चेंज कर सकते हैं, क्या ये सही बात है? हाँ, फॉन्ट को जब टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं उसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ से अपन टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहे कलर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आइकन जो है ये इस बटन का फंक्शन क्या है? अंडू के लिए यूज होता है, देखिए यहाँ से अंडू कर सकते हैं, इसका शॉर्ट कमांड कंट्रोल जेड भी होता है। नेक्स्ट है, ये जो आइकन बना हुआ है इसके बारे में, क्या इस बटन का इस्तेमाल बुलेट के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते, फॉल्स है ये टास्क। देखिए ये जस्टिफाई का आइकन है, यहाँ पे दे रखा है जस्टिफाई, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई, और बुलेट के लिए क्या है यूज करते हैं? ये बुलेट का आइकन है। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर में टाइप होंगे? नहीं, फॉल्स। टेक्स्ट कहाँ टाइप होगा? लेफ्ट में ही टाइप होगा। जब नई फाइल खोलते हैं हम, टाइप करने पर कहाँ आता है? वो लेफ्ट साइड में आता है। फिर सेंटर करना है तो हम सेंटर कर सकते हैं, देखिए ये सेंटर में हुआ है। राइट में करना चाहते हैं तो राइट में कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कहाँ आता है? वो लेफ्ट में आता है, तो सेंटर में नहीं आएगा ये टास्क। ओके, आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं? कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो अपने ऐसे साथियों को जरूर शेयर करें जिनके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं डॉक्टर AK जैन अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद।